यार, ये ना लेजेंड वेजेंड नहीं कभी भी बोलना किसी को, है ना। आई पर्सनली फील लेजेंड्स वगैरह जब भी बोलते हो ना यार, यू नो आई ऑलवेज फील ना कि यू नो नाम जो मन में आते हैं, श्री भगत सिंह है ना, सुखदेव, राजगुरु, दोस पीपल वर लेजेंड यार। उसके बाद तो बंदे बंदी हो गए सारे। टेक प्राइड है ना, अगर आप में कुछ चार पांच गलतियां कि नंबर कम आए थे, पढ़ाई में कमजोर थे, तो ऐसे अगर चार प्रॉब्लम है तो कम से कम सात आठ कुछ अच्छी बातें भी होंगी आपके बारे में। व्हाई डोंट यू टेक प्राइड इन दैट। स्टूडेंट्स जय हिंद, और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंडहोल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द एकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद द लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। हाय सर। जय हिंद। जय हिंद बड़ी। जय हिंद। जय हिंद। हाउ आर यू? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बस यार, रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, बारिश के मजे ले रहा हूँ। दुआ की बारिश हो रही है, रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स आउट हियर। बारिश हो रही है बहुत ज्यादा सर, दिल्ली में भी थोड़ी सी बारिश करवा दो, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है सर गर्मी के मारे। हां, आई गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टुडे। आज मैंने कई लोगों का है, मैंने ऑलरेडी यू नो आई पुट एप्लीकेशन टू द टॉप मैन, आने वाली, डोंट वरी, आज कल में आ जाएगी आई एम श्योर। वेरी मच नीडेड सर, वेरी मच नीडेड टू गेट सम रिलीफ। Seriously, Delhi is getting hot. Yes, sir. So how are you, Shoy? I'm doing great, sir. Welcome to this wonderful series of Talk with the Legends. You are a very dear senior and one among the legends, sir. Or नहीं यार, आप live Shoy, thank you मेरे साथ. Thank you so much for the इज्जत, Shoy. But है ना, एक छोटी सी request यार, ये है ना legend वेजेंड नहीं कभी भी बोलना किसी को, है ना। I personally feel legends वगैरह जब भी बोलते हो ना यार, you know I always feel ना कि you know, नाम जो मन में आते हैं, श्री भगत सिंह है ना, सुखदेव, राजगुरु, दोस पीपल वर लेजेंड यार। उसके बाद तो बंदे बंदी हो गए सारे। और उसके बाद में अगर कोई लेजेंड है तो आई थिंक दैट इज योर पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स। बाकी हम लोग तो यार वी आर जस्ट वेरी नॉर्मल सिंपल पीपल, यू नो। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, बेसिकली पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो नीडी है, फौज में जाना चाहते हैं, रिटन एग्जाम में मदद लेना चाहते हैं, तो हम उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। दूसरी चीज सर, मैं आज आपसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके किसी और इंटरव्यूज में से। नॉर्मल इज बोरिंग। हाँ, और नॉर्मल इज बोरिंग, एग्जैक्टली सर। तो बहुत स्पॉन्टेनियस रखूंगा मैं चीजों को, और बहुत मजा आने वाला है सर आज के सेशन में। काफी सारी चीजें हैं जो हमें आपसे सीखनी है। तो सर मैं स्टार्ट ये करूंगा कि मतलब आफ्टर आर्मी अभी आप हाउ यू आर एंजॉयिंग लाइफ, अभी आप कर क्या रहे हो सर आफ्टर द आर्मी टेन्योर? मैं यार अभी फिलहाल तो मुझे कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एक्चुअली। आई एम गेटिंग अपना एंगेज विद माय बॉयज एंड गर्ल्स, यू नो, जो बच्चे अपने एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ में अपना एंगेज होता हूँ एंड आई डू मेंटोरशिप, है ना। इनिशियली व्हेन आई केम तो आई सॉ दिस वर्ड हर जगह, कोचिंग 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 से मेरे को बड़े इस वर्ड से मेरे को बहुत सख्त नफरत थी शुरू से, है ना, बिकॉज आई फील की इट वॉज अ कमर्शियलाइजेशन विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज ट्रू एंड एवरीबडी इज इनटू बिजनेस दीस डेज, यू नो। So, इस वर्ड से मुझे बड़ी दिक्कत थी। Then I used to say कि है ना, I do training, coaching मैं नहीं करता। And then I thought कि मेरी training is also something different. Then I came up with the word mentorship, है ना, I'll do mentoring. Mentoring demands lot of personal involvement. So what I do these days here, SSB just one small part of my training. SSB तो हो जाता है, that's not a big issue. But SSB के साथ में और 50 चीजें हैं which nobody is focusing, you know. हर एक बंदा बंदी जो आते हैं, they come from different backgrounds. तरीके की अपनी जरूरत होती है, अपनी सक्सेस स्टोरीज हैं, अपने फेयर्स हैं, अपने यू नो अचीवमेंट्स हैं। सो किसी को वेट लॉस का इशू है, किसी को कॉन्फिडेंस का इशू है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में फेयर है। सो आई वर्क अपॉन ईच एंड एवरीथिंग विच इज पार्ट ऑफ माई पैकेज, वेदर दे टेल मी और नॉट। दूसरे दिन ही मैं पूछ लेता हूँ, पेपर लो, बीच में लाइन खींचो, एक तरफ लिखो प्रोफेशनल फेयर और दूसरी तरफ लिखो पर्सनल फेयर, और मेरे को बताओ खुल करके, एंड समथिंग वेरी पर्सनल नेचर दैट यू शुड डिस्कस ओनली इन द पर्सन, नॉट इन द ग्रुप। और उसके बाद में उन पे काम करने में मजा आता है यार, यू नो, वन गाय विद 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दूसरा बंदा आता है वो कोई अलग प्रॉब्लम लेकर के आता है, कई तो ऐसे जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, बट उनके साथ में काम करता हूँ, अलग तरीके से हर एक को हैंडल करना पड़ता है ना। सो दे हैव टॉट मी एक्चुअली, उनको सिखाते सिखाते मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बच्चों से। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस बैच सिस्टम एंड ऑल दैट, आई कॉल देम फैमिली एंड वी एक्चुअली स्टे लाइक फैमिली। मतलब हम लोग क्लास चलती है तो गाने भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, ठीक है, मजाक भी उड़ाते हैं एक दूसरे का, इट्स अ गुड फन। So this is what I'm doing. I'm mentoring and trying to shape them and try to create, you know,
किसी ने पूछा फौज से जाके क्या करेगा, मैं तू मत जा, सीनियर ने बोला था किसी ने कि ना यू स्टे बैक, मैं सर आई वांट टू गो, कहता क्या करेगा बाहर जाके, तो मैं साइन नहीं करूंगा, गिव मी वन गुड रीजन तब मैं तेरी एप्लीकेशन साइन करूंगा। तो आई टोल्ड हिम मैंने कहा सर अगर आप मेरे को जाने दोगे मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, वंस आई गो आउटसाइड आई विल क्रिएट मोर राजीव एंड आई विल सेंड देम बैक। कहता ओके दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, आई विल साइन योर एप्लीकेशन, सो आई एम वर्किंग अपॉन देम हियर, है ना, ये काम कर रहा हूं मैं। तो सर बेसिकली आपने मेरे को मेरा एसएसबी वाला वो एक मोमेंट था मेरे लाइफ में भी, जब मैं लास्ट एसएसबी में था ना सर, जैसे आपने बोला कि सर ने तब साइन किया जब आपने बोला कि मैं और राजीव बनाऊंगा, तो सर मेरे लास्ट एसएसबी में मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने गांधीनगर बोर्ड था सर, एफकेट एंट्री थी, उन्होंने मेरे से पूछा था सर ने कि शिवम अगर तेरा इस हिंदी में ही पूछ लिया सर कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो ही आस्क मी द सेम क्वेश्चन। तो मैंने कहा सर मैं ना अपने अपनी ना फौज बनाऊंगा सर, अपनी छोटी एयरफोर्स बनाऊंगा और फिर उनको भेजूंगा अंदर। तो वाले दिन याद आ गए सर मेरे को, अभी मेरे बच्चे हैं सर रिटन एग्जाम पास करते हैं, फिर आप जैसे मेंटर्स के पास जाते हैं एंड देन दे क्लियर देयर एसएसबी एंड देन वेंट ऑन टू जॉइन द एकेडमी, तो सर अच्छा लगता है कि मैं नहीं जा पाया कोई बात नहीं, पर इन बच्चों का हो रहा है मेरी मदद से, ये है सर। नहीं नहीं अच्छा तो, यार करना भी चाहिए ना, काम करने का तरीका है वो हर एक का थोड़ा अपना अलग होता है, कुछ लोग पोस्टर्स देख करके अपना एडवर्टीजमेंट करके बुलाते हैं, मुझे भगवान की दया से आज तक जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करी, जो बच्चा मेरे पास आया है वो मेरे को ढूंढता ढांढता आया है मेरे पास में, जो ढूंढता हुआ मेरे पास में आया है आई एम 100% कन्विंस किया ना, ही हैज डन हिज होमवर्क और शी हैज डन हिज होमवर्क हर होमवर्क और वो मेरे पास आए हैं ढूंढते हुए, तो वहां मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि ना इसने अपना होमवर्क किया है, इसने मुझे ढूंढ लिया इतनी बड़ी भीड़ में, अदरवाइज दुनिया भर की अकेडमीज हैं, एकड़ का आपके पास में कैंपस है, पीपल प्रेफर टू गो देयर, समबडी कम्स टू आई पुट माय हार्ट एंड सोल ऑन देम, तो दैट इज माय वे ऑफ फंक्शनिंग, मजा आ रहा है। यू आर रियली एंजॉयिंग दिस। और सर जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी कर रहा था, तो सर ने बोला कि तू बाकी चीजों की टेंशन नहीं मत ले, तू पेपर निकाल ले बस, एंड आई रियली आई कैन रियली फील आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सीनियर्स लाइक यू, जो कि मतलब बच्चों के पीछे बैक में खड़े हैं कि यार तुम करो यार, जो देखेंगे होगा देख लेंगे, संभाल लेंगे पीछे से। और सर यहाँ पे जब मैंने भी ये बनाया था प्लेटफॉर्म, तो मैंने भी इसी के उस पे बनाया था कि यार एक फैमिली बनानी है, एक बच्चों की ना कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे ना उनको ऐसा लगे कि कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा है। और सर मैं भी लड़कों की तो सर मैं लंका लगा के रखता हूँ लिटरली, कि अगर मेरे वालों से बेटा मेरे वालों से पूछो उनके हाथ में क्या होता है, स्पेशली बॉयज हैं ना, व्हेन दे टॉक टू मी दे विल टेल यू, उनको शायद जिंदगी में कभी किसी ने इतना नहीं मतलब बजाया होगा जितना मैं सॉर्ट आउट करता हूँ एट टाइम्स, यू नो, बट हक के साथ, मैं अपने लड़कों को तो बहुत एकदम मतलब एकदम लाइन पे लगा के रखता हूँ उनको कि यार अगर तुम्हारा पेपर ही निकला ना जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ लो इसलिए बेटा। तो सर वही है सर, थोड़ा सा ना डाइव करूंगा आपके मेंटरशिप के अंदर, क्योंकि हर जगह नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपके टेन्योर पे आर्मी लाइफ एकेडमी लाइफ सब जगह पे ही हैं, थोड़ा सा मैं उसमें और डीप जाना चाहूंगा, द वे यू फोकस अपॉन दीज चैप्स, आप इनको गाइड करते हो तो क्या आप चीजें फॉलो करते हो, किस तरीके से आप इनको एक मार्गदर्शन देते हो सर, क्या इनकी पर्सनैलिटी में आप चेंजेस लाते हो, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ओके मैं आई एम ए हाईली अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनर, यू नो सारी दुनिया कहती है कि इस तरफ जाना है, आई नेवर डू दैट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाकी लोग करते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं वो करता हूँ जो मेरा मन कहता है और जो मेरे को लगता है ठीक है बच्चों के लिए। नाउ एवरीबडी इन द कंट्री दे टॉक अबाउट ओएलक्यूज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 होते हैं, कल एक बच्चे का किसी का मैसेज आया था, ही सेज कि सर रैंक सो एंड सो, लोकेशन सो एंड सो, अकेडमी सो एंड सो, वो कहते हैं कि हर एक स्टोरी के अंदर 15 ओएलक्यूज होनी चाहिए, मैं वो लेकर क्या उसको जो भी रैंक है इरेस्पेक्टिव सीनियर जूनियर टू बी एंड टेल हिम मैंने ही शुड राइट 12 स्टोरीज एंड शो इट टू मी, ठीक है आप गलत चीज क्यों सिखा रहे हो दूसरों को, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, भाई माँ के पेट से है ना कोई नहीं सीख करके आता, अच्छा बुरा सारे पेरेंट्स है ना अच्छा ही सिखाते हैं बच्चों को, है ना टीचर्स भी अच्छा ही चीज बताते हैं, दोस्त यार भी आपको अच्छे अगर आपने सेलेक्ट किए तो अच्छी चीज बताएंगे, ठीक है बट अकेडमी में जाने के बाद में एवरीबडी ट्राई टू टेल यू कि भाई अगर हमारे हाथ के नीचे से नहीं निकले और हमने नहीं सिखाया तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मैं बच्चों को बताता हूँ कि मैं हैव सम फेथ, थोड़ा बहुत ग्रांट है ना, आप 14 दिन जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा है कि 14 दिन में ये एक डिजाइन पैकेज तैयार करेगा, बट इतने साल से माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं उस पर 2 पैसे का भी भरोसा नहीं है, अपने ऊपर भी नहीं है, सिर्फ 14 दिन में वो अकेडमी में कुछ बताएगा आपको उस पर पूरा भरोसा है, मैं सरासर बेवकूफी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 14 दिन में इमोशनली कोई आदमी आपसे इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो कहता है कि भाई 14 दिन में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, नहीं लगाएगा, वो सिर्फ एक पैसा जो आपको क्लेम कर रहा है उसको ना स्ट्रक्चर करके वो उतना वसूल करने की कोशिश करेगा कि भैया 5 दिन का जो एसएसबी होने वाला है वो हम आपको 15 दिन में दिखाएंगे। अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की शायद ही कोई ऐसी अकेडमी जहां से कोई स्टूडेंट मेरे पास में नहीं होगा, ठीक है
आई ऑलवेज टेल देम कि नो नेम्स, है ना, कोई जरूरत नहीं है किसी का नाम लेने की या कुछ और, बट व्हाट हैपेंड, यू फील हर्ट ना जब वो बात करता है और वो बताता है कि सर वो उन्होंने तो सिर्फ जेनरिक ही बताया था. जब मैंने पूछा कि सर इंटरव्यू में पिछली बार दिक्कत मुझसे आई थी इस क्वेश्चन में, तो दे सेड कि यू हैव टू लुक फॉर योर ओन आंसर्स. तो ये बात तो आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं, आप फ्री में बता सकते थे. राइट. कोई कोई महानुभाव ऐसा भी है जो कहता है कि भाई बिना तैयारी के जाओ, गो विद अ ब्लैंक माइंड. तो फिर एडमिशन किस लिए दिया था? ब्लैंक तो वो पहले भी था आपके पास आने से पहले. See, every individual has got a peculiar problem, you know. Yes, sir. So what I do, यार, मैं उनको ये बताता हूँ पहले दिन तो सबको कि आप जैसे हो बिल्कुल अच्छे हो, ठीक है, थोड़ा भरोसा रखो अपने ऊपर. टेक प्राइड, है ना, अगर आप में कुछ चार पांच गलतियां कि नंबर कम आए थे, पढ़ाई में कमजोर थे, तो ऐसे अगर चार प्रॉब्लम है तो कम से कम सात आठ कुछ अच्छी बातें भी होंगी आपके बारे में. Why don't you take pride in them? और टेंथ में नंबर कम आए थे, ट्वेल्थ में नंबर कम आए थे, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अच्छे नंबर लेके दिखाओ. प्रूव इट कि सर पहले मैंने पढ़ाई नहीं करी, आई वॉज नॉट ईमानदार, बट दीज डेज आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड. I'm putting my midnight oil to task and मैं कर रहा हूँ सर मेहनत. अब करके प्रूव कर दो rather than है ना just framing answers for the SSB. Exactly. Then I don't train them anything from the SSB point of view. I tell them कि मैं बाकी जगह जब जाते हैं वो आपको manipulate करते हैं the name of officer like qualities है ना and other things कि formula ये है, formula this and that. In fact वही आदमी जो मैंने SSB में रहा हुआ है वही उनको बताता है कि जब आपसे पूछे coaching के बारे में तो आप मना कर देना. Now what kind of उस्ताद you are? खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है. एकेडमी में जब आप एसएसबी सेंटर में थे तो आप बोलते थे कि भैया सच बोलने वाले कैंडिडेट चाहिए, जब बाहर आकर के दुकान खोल के बैठे हो तो आप बोल रहे हो कि कोचिंग के लिए मना कर देना. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है. और आप बच्चों को बताते हो दे डू द सेम थिंग. जब मैं पूछता हूँ कि मैं फिर पिछली बार ऐसा क्यों नहीं बोला, बोला सर वो बताया गया था कि ऐसे मत बोलना. सो एक जो कॉन्फिडेंस खुद भी होना चाहिए ना, वो हिला हुआ है लोगों का मैंने देखा है. अपनी सोचने की कोई वो नहीं है काबिलियत, जो कुछ है सब कुछ एसएसबी के हिसाब से सोचते हैं. देयर इज सो मच ऑफ रक है ना. And people are playing on two things. या तो ड्रा करके काम लेते हैं कि ओएल क्यू के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, हमसे ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा. और दे है ना इनकैश द प्रोडक्ट, दे सेल द प्रोडक्ट कि हमारे इतने सिलेक्शन, चेस्ट नंबर सो एंड सो. अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे कैंडिडेट का जब तक मेडिकल क्लियर नहीं होता, आई डोंट इवन टॉक अबाउट इट. यू नो बिकॉज सबकॉन्शियस स्टेज में रहता है कि यार बंदा गया है, उसका मेडिकल नहीं हुआ, आपने यहाँ पे पर्चा टांग दिया कि भाई मेरा बंदा सेलेक्ट हो गया. बंदा सेलेक्ट हो गया बाद में मेडिकल में निकल गया, देन वॉट, उसका तो इतना सा मुंह रह जाएगा, उसका तो मन टूट गया बिल्कुल. बट आपने तो अपनी दुकान बढ़ाने के लिए उसका पोस्टर रातों रात टांग दिया हर जगह. यू नो इतनी सी भी एथिकल सेंस नहीं है लोगों में, है ना. उसके बाद में ऐसे बता रहे हैं. एक लाइव एग्जांपल देता हूं, देयर हैव बीन है ना मेरे जब शुरू में एक बंदा गया, दो बंदा गया, तीन बंदा गया, चार बंदा गया. इन एवरी केस व्हाट हैड हैपेंड, देयर इज सम एकेडमी इधर इन जयपुर और इन बड़ी नोएडा और एट सम अदर प्लेस, एवरी टाइम जिसमें 100% ऑफ फौजी ऑफिसर्स ओनली आते हैं फ्रॉम माय ओन फ्रेटर्निटी, उन्होंने उसका नाम लगा दिया वहां पे. मैंने कोई रिएक्ट नहीं करा, नीदर आई हैव टू, है ना. इट स्पीक्स ओनली अबाउट देम ओनली कि खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है भाई. आपके पास टीम है, आपके पास कैंपस है, एक एकेडमी है, पुराना नाम है, फिर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है. यहाँ तो अकेला चलो है, जो कुछ है मैं ही हूँ. तो सर मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ, मैं टीचर भी हूँ, आई एम थर्ड जनरेशन इनटू टीचिंग. मेरे दादी पापा टीचर थे, पेरेंट्स आर टीचर्स एंड देन माय यंगर ब्रदर इज आल्सो इनटू टीचिंग. तो सर बड़ा फील होता है व्हेन जब इन बच्चों को ना ऐसे काट देते हैं ना लोग, गलत कर देते हैं बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत गंदा लगता है. और सर जैसे आपने बोला ना आप मेंटर कर रहे हो, तो सर जब मैंने ये डिफेंस एग्जाम मास्टरी का पेज बनाया था तो मैंने बस एक ही खुद से प्रॉमिस ये किया था कि यार कुछ भी हो जाए बच्चे का अगर हाथ पकड़ूंगा ना सर, एक बार की फीस हम लेते हैं अगर इनसे, तो जितने भी अटेम्प्ट है ना बच्चों के, अगर वो दो अटेम्प्ट बचाए तो दो दो तक पढ़ेगा, छह बचाए तो छह तक पढ़ेगा, पर वो पढ़ता रहेगा मेरे साथ, वो कमियां बताएगा, फिर वो मेरे से वन टू वन होगा. जैसा आपका वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि तू तू प्रॉब्लम लेके आ, मैं सॉल्यूशन दूंगा तेरे को. एंड आई थिंक उसमें सर एनर्जी और एफर्ट ज्यादा लगते हैं. बट कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चे को एनरोल कर लिया और फिर उसके बाद कहानी अलग ही चल रही है. फिर तो फिर वो भूल जाते हैं सर, अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वो ओनरशिप ही नहीं लेते कि नहीं हुआ हमारी वजह से. ये होता यार डिग्री लेकर के, डिग्री लेके ना आप टीचर जरूर बन सकते हो, यू नो, बट अच्छे टीचर बनोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. आजकल ज्यादातर टीचर्स वो है जो कहते हैं स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ाता, बट वो कहता है पास होना है तो ट्यूशन पे आ जाना. दैट्स अ रॉन्ग ट्रेंड. आपको तनख्वाह मिल रही है, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उतना आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो. आधे से ज्यादा बच्चे जो है ना दे गो बाय रैंक. आई टोल्ड यू ना कि जैसे लेजेंड नहीं बोलना, वी आर नॉट लेजेंड यार. लेजेंड थे श्री भगत सिंह, दे वर लेजेंड, वी आर जस्ट पीपल फ्रॉम कॉमन वॉक जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं छोटा मोटा, यू नो. लेजेंड वो थे, यू नो. लोग जाते हैं रैंक देख करके, यूनिफॉर्म देख करके, विश्वास में, ठीक है. अब ये चीज इतनी सस्ती बना दी है लोगों ने ना कि रैंक देख लो, एक नाम देख लो, तो लोगों को लगता है कि भाई अच्छा बताएंगे, बट जब जाते हैं वहां पे और फिर वापस मुड़ के आते हैं मेरे पास, सर वो गए थे बट सर एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं बेटा डिसीजन आपने लिया, बट उसकी भी गलती नहीं है. कोई पोस्टर देख करके जाता है, कोई अंग्रेजी सुन के जाता है, कोई रैंक देख करके जाता है, कोई यूनिफॉर्म देख के जाता है.
मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ यार, यूनिफॉर्म लगा करके आप एक ऑफिसर जरूर बनोगे, बट अच्छा ऑफिसर बनोगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो बहुतों से नहीं होती है। 30 साल में भी ऑफिसर ही रिटायर होता है, अच्छा ऑफिसर तो नहीं बन पाता रिटायरमेंट तक, यू नो। एंड आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना, आई टेक लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर 4 बच्चों का बाप भी होगा ना, और वो पूछेगा सर लाइफ में एक प्रॉब्लम है, व्हाट शुड आई डू, आई विल बी मोर देन फोर्थकमिंग कि बेटा ये चीज ऐसे करनी है, ठीक है। पता नहीं यार, मैं सिर्फ टाइम और मेहनत दो ही चीज दे सकता हूँ अपने स्टूडेंट को, एंड फॉर दिस आई कैन बेट एंड माई इवन पेंशन ऑन दिस। मेरा कोई एक स्टूडेंट कह दे कि नहीं सर मेरी तरफ से कोई कमी रहेगी, आई एम रेडी टू बाय दैट, ठीक है, मैं मन से काम करता हूँ। आई लव माई स्टूडेंट एंड दे लव मी। हम तो क्लास खत्म होने से पहले एवरीडे आई टेल देम आई लव यू गाइस, मे यू कैन बी मोर जनरस, एंड वो भी मुझे बोलते हैं सर वी लव यू, आई लव यू। वो दिन भर की कमाई होती है, अच्छी नींद आती है फर्स्ट क्लास, यू नो, बॉयज गर्ल्स एवरीवन। सर बिल्कुल सर, ये फीलिंग तो मतलब कुछ नहीं रह जाना सर लाइफ में, मतलब पैसा वैसा तो सब आता रहेगा जाता रहेगा सर। और जब वो मैं को टीचर हूँ सर, और मैं एकदम सेल्फलेस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे से इनकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ। इवन सर मेरे बैच के बच्चे जो ग्रेजुएट एंट्रीज में है ना सर, और जॉब नहीं मिल रही, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है सर, उनके सीवी मंगा मंगा के उनकी नौकरियां तक लगवाई हैं। सोचो वो तो मेरे पढ़ाने के तरीके का कोई पार्टी नहीं है, मतलब एक होता ना बड़ा भाई जैसे, आजा छत्र छाया में आजा, मैं संभाल लूंगा यार, देखेंगे जो होगा लाइफ में, तुम पढ़ो बस मेहनत करो, तो वो वाला सर कम्युनिटी मैंने भी बना रखा है। तो सर एक चीज और पूछूंगा मैं कि एक जो एस्पिरेंट है, लेट अस सपोज देयर इज अ चैप 18-19-20 साल का बच्चा, वो उसने एक ड्रीम देखा, जैसे आपको अंकल से इंस्पिरेशन मिली, आप अंकल को देखते थे तो बहुत ज्यादा आपको उनसे सीखने को मिला लाइफ में, है ना, ही वॉज योर रोल मॉडल। तो बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि एक ये थोड़ा सा अलग अलग हटके सवाल हो गया कि होम दे लुक अप टू एज अ रोल मॉडल इन देयर लाइफ, और कैसे उससे सीख के जीवन में आगे कामयाबी हासिल करें, या फौज में अफसर बने या जो भी बने, वो कैसे अपने रोल मॉडल्स को कैसे चूज करें सर, उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे सर? यार रोल मॉडल चूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, द बेस्ट एग्जांपल है ना फॉर एनी चाइल्ड आई फील ना कैन बी देयर ओन पेरेंट्स। अपने माँ बाप की तरफ देखो यार, पिछले 18-19-20 साल के आप लोग को कितनी शिद्दत से, उनको चाहे जितनी भी दिक्कत रही हो लेकिन आपकी जरूरत सारी पूरी करी है, ठीक है, अपना पेट काट के, अपना मन काट के, अपना समय, अपने बाकी चीज कॉम्प्रोमाइज करके आपको, दे हैड ऑलवेज मेड एन एफर्ट टू गिव यू द बेस्ट इन लाइफ, ठीक है, बट उन पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। अरे आपके फादर मदर चाहे कम पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने 100% पूरी ईमानदारी से काम किया है, इन्वेस्ट किया है। फॉर ए चाइल्ड द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट मेंटोर एंड द बेस्ट रोल मॉडल है ना, अगर कोई हो सकता है तो उसके लिए पेरेंट्स क्वालिफाई करते हैं इन माय विजडम, यू नो। सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए कि यार इन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को यहां तक पहुंचाया है, आगे मेरी ड्यूटी है काम करना, ठीक है। बट लोगों को रियल लाइफ से ज्यादा ना रील पे ज्यादा भरोसा है ना, एक बॉलीवुड के एक्टर को देख के, यूनिफॉर्म में किसी आदमी को देख करके ना ज्यादा उनको वो आता है कि ये मेरा रोल मॉडल है। मैं देखता हूँ फौजी ऑफिसर्स भी हैं, फॉर दैट मैटर मैं तो खुद भी कहता हूँ, कोई कहता है सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने कहा यार बिल्कुल, मेरे को कोई जरूरत नहीं फैन की और फॉलोअर्स की, आई वॉन्ट फैमिली एंड अपना फ्रेंड्स। आप ये बोलो सर मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, मोर देन हैप्पी, आई फील ऑनर्ड, बट इफ यू टेल की सर आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आई डोंट टेक प्राइड इन दिस। फैन बनना है अपने माँ बाप का बनो, है ना, रोल मॉडल माँ बाप सबसे अच्छे हैं। एंड यार देख हमें तो ये सिखाया गया था, आई रिमेम्बर माई फादर यूज टू गेट ना 10 रुपए की बुक लेके आते थे एवरी डे, छोटी छोटी पॉकेट बुक आती थी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट में विद नो पिक्चर्स नथिंग, छोटे छोटे कुछ स्केचेस बने होते थे। आज सुभाष चंद्र बोस के लेकर के आए, मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा एक दिन स्कूल के अंदर उन्होंने अंग्रेज के बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, एंड देन आई रोट की क्यों मारा था। अगली बार फिर भगत सिंह का लेके आए तो उसमें पढ़ा कि भैया वो छोटे थे बंदूक को गाड़ रहे थे, पानी दे रहे थे, बोला क्या, बोला पेड़ लिख लेगा इसमें और बंदूकें लगेंगी फिर मैं देश आजाद कराऊ, गुड यार, यू नो। छोटी छोटी एक रोज पॉकेट बुक लेके आते थे तो होमवर्क वो इसको खत्म करेगा, मेरे लिए तो रोल मॉडल वो थे यार उस समय, है ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पढ़ा कुछ अच्छी चीजें सीखी उनसे, बाकी अपने फादर थे खुद के माँ बाप, ठीक है। बट फौजी ऑफिसर किसी और को देख करके मतलब मैं इंप्रेस हुआ हूं, मुझे याद नहीं आता, फौज में अगर कोई बोले तो सिर्फ एक याद आता है कि भाई ही वाज माय कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर बोलता है यस ही वाज माय कमांडर, गिनती के मैं बता सकता हूं जो सक्सेसफुल रहे टू इंप्रेस मी इन द प्रोफेशनल लाइफ, बाकी कामयाब जरूर हुए रैंक के अंदर, बट एज ए पर्सन एंड एज ए प्रोफेशनल वेरी रेयर, मतलब आई गॉट इंप्रेस इजीली विद पीपल। अपने माँ बाप की तरफ देखो यार इंप्रेस करने के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ टेबल पे भी पढ़ाई करते हो यू कैन टेल योर स्टूडेंट अपने माँ बाप की फोटो रखो आप, यू नो, जब दिखाई देगा कि यार बुजुर्ग से दो लोग फोटो में यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ करना है तो दैट शुड गिव यू द किक, राइट। रोल मॉडल को यूनिफॉर्म बैचेस देख करके मैं देखता हूँ ना, लोग बैरे लगा रखी है, कलर देखते हैं टोपी का, यूनिट रेजिमेंट एंड ऑल दैट, दीज आर रॉन्ग नोशंस। अच्छा इंसान कहीं पे भी हो सकता है और अच्छा काम बिना यूनिफॉर्म के भी कर सकता है आदमी, यू नो। सो अच्छा बनने की कोशिश करो यार, है ना, भगत सिंह है
गांधी जी हैं, सबको अच्छा लगता है। सिर्फ इसलिए कि उस दिन छुट्टी होगी है ना, आज भी अब ये होगा, फूल माला चढ़ेगी, दो दो लड्डू मिलेंगे, स्कूल के अंदर छुट्टी हो जानी है। आई रिमेम्बर हमारे भी आए थे अपना आईजी अंकल थे, ही वाज ग्रेट मैन। ये सर कि ये छुट्टी वुट्टी और लड्डुओं के चक्कर में मत पड़ा करो, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग ट्राई टू लर्न एटलीस्ट टू गुड थिंग्स फ्रॉम दीज गाइस, कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या अच्छा किया है, उसमें से एक काम अच्छा कर दो उतना बहुत है। तो रोल मॉडल यार रियल लाइफ से मत देखो, रियल लाइफ से देखो। वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स, आपका बड़ा भाई, ठीक है। इवन मेरी क्लास में ऐसे भी हैं जहां पे मेरे को ये बताया है लोगों ने और मैंने समझा ये चीज कि सर आई ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम माय यंगर ब्रदर, वो मुझसे छोटा ऐसा लेकिन मुझे हमेशा अच्छी सलाह देता है, एंड ही इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड माय पेरेंट्स, मुझसे घर के ज्यादा काम करता है, आई लुक अप टू हिम सर। तो इंस्पिरेशन तो रियल लाइफ से ढूंढो यार, अपने आसपास से, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, अपने टीचर्स, डोंट गो इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ से आप ढूंढो रोल मॉडल, बहुत मिलेंगे आपको। राइट सर, यू नो, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और एक इसमें मैं थोड़ा सा ना ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला ना कि आपको पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो मैं सर, हम चार भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा था, तो मैं जब SSB देने जाता था ना सर, शुरुआत में क्या होता था, लोग हंसी उड़ाते थे कि तेरा रिटर्न नहीं निकल रहा। सबसे ज्यादा मेरे पापा ही बोलते थे कि तू यार गलत प्रोफेशन चुन लिया, ये नहीं हो पाएगा तेरे से। वो इंग्लिश के टीचर थे, मेरे को CDS दिलवाने आते थे दिल्ली सर, और मेरी एंटोनिम सिनोनिम जैसे मैं बाहर आता था ना, वो चेक करते थे कि 10-10 में से कितने कितने सही कर गया। तो एक बार तो वो आ गए मेरे साथ, बोले कि दिखा पेपर, बोले कि बेटा तुम 10 में से ना तुम्हारे ना 9 गलत हैं, तो तुमसे नहीं निकलेगा ये पेपर। बोला कि अगली बार मैं नहीं आऊंगा, या तो तू लेवल बढ़ा ले अपना, या तू ये पेपर देना छोड़ दे। तो सर बात ना बड़ी पिंच कर गई, उन्होंने इसलिए बोला कि मैं सुधर जाऊं, मैं पढ़ाई करना चालू करूं। अगली बार मैं आया, मैंने कि यार पापा ने बेइज्जती कर दी, वो खुद इंग्लिश के टीचर है, उनको लेट डाउन नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने मेरे को बहुत बजाया है बचपन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, जीके में इतना कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कराया, और मैं कभी हारा नहीं वहां पे उनकी मदद से, क्योंकि वो मेरे पापा भी ना हर वो उपकार की आती थी सर, उपकार की कॉम्पिटिशन की किताब आती थी, जीके उपकार की ठीक आती थी ईयरली, तो वो लाते थे, बोलते थे कि 3 महीने में मुझे पूरी खत्म चाहिए, मैं तुमसे उठा के कुछ भी पूछ लूंगा इसमें से, बीच में से, और अगर नहीं हुआ तो फिर मार पड़ेगी चप्पल से। तो सर ये वाला हिसाब होता था हमारे साथ। तो और सर लिटरली वो करते नहीं थे ऐसा कुछ, पर वो जो एक डर रहता था ना कि नहीं यार पापा ने लाके दिया, टास्क मिला है बस ये करने हैं, और उसका मुझे इम्पैक्ट दिखा। 6th to 10th हमारे स्कूल में कंपटीशन होता था जीके का, ईयरली आई वाज द विनर 5 साल बैक टू बैक। इंजीनियरिंग में आते आते मैं स्टेट लेवल पे जीके कंपटीशंस में, क्विज कंपटीशंस में अपनी ब्रांच को लीड कर रहा था, और इतना रोल रहा उस बचपन के इंसिडेंट का सर। तो पेरेंट्स पे हमेशा मतलब वो बैस देते हैं सर, ये तो है, ये तो गारंटीड है कि वो हमेशा हमें कभी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, अपनी कब जरूरतें काट लेंगे पर हमें हमेशा बैस देंगे। तो बहुत अच्छी बात बोली है सर ने, मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं वो इस चीज को ना एम्बाइब करें कि यार व्हेनेवर यू फील डाउन, तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ेगा कि यार मुझे करना है ना जीवन में कुछ, इन लोगों के लिए करना है, और वहां से तुम्हें बहुत एनर्जी और ताकत मिलेगी। सर कुछ बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे का सवाल आया था ऊपर, हमने थोड़ा सा मिस किया मैंने, कि एक मेजर कॉमन है जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपने देखा होगा आपके पास रूरल बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं, देन मेट्रो सिटीज के बच्चे भी आते हैं, पर एक जो मिडिल क्लास का बच्चा है ना सर, आपको पता है SSB में बिना इंग्लिश के तो काम होगा नहीं, तो वो उस पर कैसे करे। और दूसरी बात क्या है सर, जब वहां जाएगा तो वो लीडिंग पोजीशंस पे जा रहा है, वो लीडर बनने जा रहा है, तो उसके मन में ना खौफ है अंग्रेजी को लेके, एक लैंग्वेज के लेके, कम्युनिकेशन को लेके, उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे सुधारे उसकी? ओके, दो चीजें हैं, एक है फौज में भी है SSB के लिए इंग्लिश की तैयारी, दूसरा है फौज में इंग्लिश की तैयारी, है ना। ओके, पहले बात करते हैं SSB के बारे में, कि SSB में भी है इंग्लिश को लेकर के, जो रूरल या अपना बैकग्राउंड से आता है जहां पे उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला। सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बट इट शुड नॉट बी अ बैरियर, है ना, कि बिना इसके तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं बट जैसे 4 लोगों के सामने खड़ा करो तो हवा निकल जाती है, भाई अब नहीं बोल सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ठीक नहीं आती बट वो है ना 50 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, छोड़ा बहुत मिला मुलू के बोल लेता है। तो डिफरेंस है यहाँ पे भी। आई रिमेम्बर मेरे को एक लड़के का फोन आया, बोला सर मैं ऐसे ऐसे गांव से बोल रहा हूँ भिवानी से, एंड मैं सर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मैं बेटा मेरे को भरोसा दिला कि तू मेरे से ट्रेनिंग लेने लायक है, मैं भाषा पे पकड़ कैसी है? कहते सर भाषा पे मतलब, मैंने कहा बेटा अंग्रेजी पे पकड़ कैसी है तेरी? कहते सर इंग्लिश आती है सर मेरे को बट वो सर मेरे अंदर से बाहर नहीं आती। दिस वॉज एग्जैक्ट वर्ड्स, मैं गुड, अगर ऐसा है ना तेरे अंदर से बाहर मैं निकाल लूंगा, तू बस मेरे को बोल के दिखा, मैं तेरे को 1 मिनट देता हूँ आराम से चला जा जहां तेरे को कोई नहीं सुनता, खेत में जहां पे तेरे को मन टिकता है, मैं चुपचाप सुनूंगा, तो मेरे को 3 मिनट बोल के दिखाएगा। तूने अपने बारे में, पड़ोसियों के बारे में, खेत के बारे में, खेती के बारे में जो बताना है तू मुझे बता दे, ठीक है,
और 3 मिनट खुश होकर के जोश के साथ में बोल, मुझे भरोसा दिला कि सर मैं मेहनती आदमी हूं और कोशिश करूंगा, इतना दिला दे एडमिशन दूंगा नहीं तो नहीं देता। तो ही स्टार्टेड, सर माय नेम इज सोहम सर एंड आई एम फ्रॉम विलेज हरियाणा एंड दिस इज द थिंग सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, उसी लहजे में बोला उसने हरियाणवी स्टाइल में, बट आई गेस्ड कि ऐसे बंदा मेहनती है, शर्माएगा नहीं, कर लेगा। मैं कहा गुड, इस पे काम कर सकता हूं मैं, ठीक है बेटा तेरे पे काम कर सकता हूं मैं, शाबाश। सो लैंग्वेज जो इंग्लिश सीखनी है ना, या 3 चीजें मैं हमेशा बताता हूं, एक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, जितना अपना पढ़ोगे हाथ उतना क्लियर होगा। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, तीनों के लिए मैं सजेस्ट करता हूं हर एक को कि टीवी में क्या देखना है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू, ठीक है, और कैसे करनी है, ये मैं समझाता हूं। बहुत लोग जो इंस्टा पे आते हैं तो मैं उनको या तो ऑडियो में देता हूं, बट समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ना, हर एक बच्चे को टाइप करके बताओ, अभी टाइम भी नहीं उतना, बट शॉर्टली है ना, ऑल दीज इश्यूज आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑन माय अपना दिस यूट्यूब चैनल सोल्जर अनप्लग्ड। मेरे को टाइम ही नहीं है, 1.5 महीना हो गया अभी तक ना एक भी वीडियो लॉन्च नहीं कर पाया, एक ही आदमी कितना काम करेगा। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय अपना स्टूडेंट्स रादर देन मेकिंग वीडियोस, बट यस थिंग्स विल गेट ऑर्गेनाइज्ड, आई विल मेक ऑल दीज थिंग्स, है ना। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जितना करोगे उतनी सफाई आएगी। एंड एक बार हो गया, आपने कर दिया, बेसिक है, तो इंग्लिश इतनी भी बड़ी नहीं है कि भाई आप अच्छे इंसान को कोई मिस करे। अंग्रेजी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपने अपनी बात ठीक से मजबूती से रख दी, कॉन्फिडेंस, यू स्टिल गेट सेलेक्टेड। और एक बार अकेडमी में पहुंच गए, उसके बाद तो आपकी ट्रेनिंग कोर्स में ही करा देंगे। सबसे पहले तो गालियां सिखाएंगे इंग्लिश में, इधर आओ भैया, मद्रासी आता है उसको हिंदी नहीं आती, पहले गाली सिखाते हैं, बुलाओ उसको मद्रासी को, गालियां सिखाते हैं। दिस इज हाउ यू लर्न लैंग्वेज इन अकेडमीज, यू नो, 2-4 गाली सीखेगा हिंदी में, इंग्लिश में, भाषा में पकड़ बोली, बोले वाह यार मुझे गाली देनी आ गई। हमें भी ऐसी सिखाई थी लोगों ने, हमने ऐसी सीखी थी यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, आई कैन से टुडे। एंड उसके बाद में फिर जब यूनिट में जाओगे, 2 छित्तर प्लेट इधर से पड़ेगी, 2 उधर से पड़ेगी, कभी प्रेजेंटेशन मिलेगी, कभी है ना इज्जत बचाने के लिए आदमी काम करता है कि कल ब्रिगेड में देना, सारे ऑफिसर बैठेंगे, यू टू गिव अ लेक्चर, तो आदमी बैठ के 10 बार प्रैक्टिस करता है। इतनी एसएसबी में तैयारी नहीं की थी भाई, कल इज्जत लुट सकती है, नीलाम हो जाएगी, ऑफिसर की तरह बोलना, पढ़ो, जब जोर लगता है सब सीख जाता आदमी, एंड एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है आपको यार। एंड देन फौज में आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, पीपल आर वेरी सपोर्टिव, दे टीच यू गुड थिंग्स, प्रोवाइडेड आप सीखने वाले हो, यू नो, काम सारे होते हैं लैंग्वेज को लेकर के, है ना। अभी आपका डर है, मैं कहता हूं काम करो, बजाय ज्यादा सलाह लेने की सर कैसे काम करें, अरे आप एक्शन करो, काम करोगे तो कम से कम वो कमजोरी नहीं बनेगी, नो, अभी डर है, काम नहीं करोगे तो कमजोरी बन जाना कल को। राइट, रीड, राइट एंड स्पीक एंड एज मच एज यू कैन, एज ओपनली यू कैन, यू नो, हाथ क्लियर होगा, बाकी डिटेल में आई मेक सम वीडियो एंड टेल यू, इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। सर थोड़ा सा इस पे कुछ, मतलब कहां से करें, कैसे करें, ये बताओ। ओके फाइन, रीड, राइट एंड स्पीक। पहला राइटिंग, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि एवरी डे यू विल राइट एटलीस्ट 1 to 1.5 पेजेस ऑफ डायरी राइटिंग, डे 1 आई टेल माय स्टूडेंट्स। जो आदमी 24 घंटे का ब्यौरा 1 से 1.5 पेज में लिख सकता है, आई डोंट थिंक इफ ही इज ट्रेन्ड वेल ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट ए स्टोरी इन 10 to 12 लाइंस, यू नो। 24 घंटे में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ सीखा, कुछ छूट गया बीच में, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपने अपने शब्दों में ढालना है, एंड यू टू राइट इन ए फ्लो। आप लिख रहे हो, आपको एक हैबिट पड़ रही है लिखने की, है ना, तो डेली बेसिस पे आप 1 पेज लिखते हो, 1.5 पेज लिखते हो, दैट इज वन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। दूसरा, राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स समटाइम्स, नॉट एवरी डे, बट एटलीस्ट आप लिख सकते हो, यू नो, दैट इज ऑल्सो अनदर वे। तीसरी चीज मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, डिक्शनरी इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इट शुड ऑलवेज बी देयर इन योर टेबल। एवरी डे डिक्शनरी खोलो, उसमें से 10 वर्ड जो दिन में समझ में नहीं आए, न्यूज पेपर, मैगजीन, जो भी आपने पढ़ी है, उसको निकालो, उसका मतलब ढूंढो, एंड उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके ट्राई टू राइट 1 गुड पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। 10-10 करके कहोगे तो है ना ऐसे ही सागर भरेगा। आज 10 सीखे, कल 20 और 30 है, करते करते भाई महीने में 300 नए सेंटेंसेस, 300 वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग, सब कुछ तो तैयार हो रहा है। आई टेल देम, मतलब समझो, उसका एंटोनिम सिनोनिम दोनों लिखो, और फिर राइट गुड सेंटेंस। रिटन के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी होगी आपकी। सो ये हो गया रिटन के लिए, फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच आई टेल देम। देन उसके बाद में स्पीकिंग, स्पीकिंग के लिए मैं कहता हूं रीडिंग और स्पीकिंग। रीडिंग के लिए मैं बोलता हूं, चाहे आप 5वीं क्लास की बुक उठा लो, चाहे आप 10वीं की उठाओ, चाहे कोई मैगजीन उठाओ, कोई नॉवल उठाओ, बट रीड समथिंग, यू नो, पढ़ो। फास्ट पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन जीपी टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स फास्ट, कि जल्दी पढ़ लेते हो फटाफट और चीजों को कोरिलेट कर लेते हो। शीशे के सामने खड़े जाओ, बोल करके कोशिश करो पढ़ने की, जोर जोर से रीडिंग, यू नो। उसके बाद में फिर घर वालों के सामने आ जाओ, दोस्तों के सामने आ जाओ। फिर उसके बाद में आईटीएक में स्टूडेंट के पब्लिक प्लेसेस पे पहुंचो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खड़े होकर के बोलो 3 मिनट का लेक्चर, वहां पे बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें ऑफिसर के बच्चे भी हैं, जिसके फादर सर्विंग कर्नल है, ठीक है, ब्रिगेडियर है, और जो सिविल उससे आता है, जो गांव से आता है, बट व्हाट कॉन्फिडेंस दे गो,
रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ढाबे पे खड़े होकर बोलते हैं, ओके मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज दिस, आई विल बी कवरिंग माय लेक्चर इन थ्री पार्ट्स, 1, 2, 3. मैं कैसा लगा? बोला सर झकास, मजा आ गया. मैं डर लगा, बोला सर बहुत हवा टाइट हो रही थी. मैं साला जो आदमी 3 मिनट के बहादुर बन के नहीं दिखा सकता, वो क्या घंटा बहादुर बनेगा पहुंच में आके. मैं 3 मिनट अपने ऊपर काम करो, मजा आएगा. सो इट बिकम रूटीन एक्सरसाइज, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस, है ना. वही लेक्चर की तरह एक 14 दिन की ट्रेनिंग में एक फद्दू सा लेक्चर दिया, बाकी सुन के बैठ के आगे एंड यू थिंक मैं एसएसबी क्लियर करूंगा. कुछ नहीं होने वाला, ना फौज में कुछ होगा ना सिविल में कुछ होगा. जनता बेवकूफ बनाती रहेगी, आप बनते रहोगे. बेल आइकन, शेयर, सब्सक्राइब, ये ड्रामा चलता रहेगा. ठीक है, असली काम कहीं होगा ही नहीं. अरे घंटा बजाना है तो बड़ी जागे एसएसबी बजाओगे, बजा दिए हमने, कर दिया क्लियर. ठीक है, आधे ज्यादा तो ये यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट है, वही वाली लैंग्वेज बोलते हैं जाके वहां एसएसबी में. ठीक है, तीसरा है स्पीकिंग. स्पीकिंग के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, आई गिव देम एग्जांपल. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आई डोंट फाइंड सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं नाम लूं किसी का, बट कुछ लोग ऐसे हैं टीवी एंकर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट की अगर उसको सुन लो तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, दुनिया खत्म होने वाली, बस इतना जोर से चिल्लाते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं. आई सी ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो, आई सी डिफरेंट अकेडमीज ऑनलाइन ऑन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, इतना जोर लगा लगा के बोलते हैं ना, लगता है कि भाई कारगिल में हमला ही करने जा रहा है भाई. ठीक है, और एक्चुअली उसकी आवाज सुनो तो ऐसे लेडीज टाइप पतली आवाज, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, लेकिन जब स्टेज में आता है ना तो वो क्या ड्रामा क्वीन बन के आते हैं सारे, बतेरे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ना. एक तो जोर लगा के बोलेंगे, और फिर एक नया फैशन मैंने देखा, बेटा. चे साला खुद 30 साल का, बेटा बेटा, अच्छा बेटा सेंटेंस कम होगा, बेटा ज्यादा होगा, बेटे में ही आप है ना सबको लपेट दो. बेटा हम आपको बताना चाहते हैं, बेटा इसको देखो ऐसे करना है बेटा. वो बेटा कहने से नोबडी बिकम्स योर बेटा, एटलीस्ट है ना, एक्ट लाइक ए फादर. जितना बाप लगाता है उतना मन लगा के देखो काम में, बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे. बेटा 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 बोल के इतिश्री कर देते हैं काम की. गो टू द न्यूज चैनल, देयर आर गुड चैनल्स लाइक वियोन है, यस इट्स अ गुड चैनल, इट टॉक्स सेंस, नबीतुली बात करता है. एक फद्दू से चैनल मतलब चीज के लिए आप 1.5 घंटे का वो बनाते हो, व्हाई डोंट यू एडवाइस देम कि रीड दिस मैगजीन, इसमें क्लियर कट आता है, देयर इज अ एडिटोरियल टीम 60 साल से काम कर रही है और इसमें एक पेज में लिखा हुआ है वेरी गुड मटीरियल. लेकिन नहीं, सब्सक्राइबर चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, और 1.5 घंटे का वीडियो बना देते हैं फद्दू साहब, 10 मिनट में काम होता है. Yesterday I took a class of my students. I told them, मैं पूरे महीने का करंट अफेयर्स है, I am telling you, मैं पहला इकलौता आदमी जो बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से कमी रहेगी. I took one class, I taught them कि वे कौन सा मैगजीन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, and I given them 72 hours. मैं 3 दिन दे रहा हूँ, पूरे महीने का करंट अफेयर्स मेरे को यूं चाहिए मुट्ठी के अंदर, और रिटर्न और एसएसबी के हिसाब से. जवाब नहीं आया तो भैया उसके बाद में छाती में मुक्का मैं मारूंगा. ठीक है, और 3 दिन के अंदर पूरे महीने का करंट अफेयर 10 पेज में निकाल के दिखाऊंगा मैं. ठीक है, आई विल ब्रिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट अभी मेरे पास टाइम थोड़ा वो है. महीने भर के अंदर लॉट ऑफ चेंजेस पीपल विल सी. पूरे महीने का करंट अफेयर अगर 10 पेज में मैंने नहीं निकाल के दिखाया तो मैं फिर असली आदमी नहीं. ठीक है, जो पेज 10 पेज में हो सकता है महीने भर का, उसके लिए लोग है ना भाई बोलते हैं इतना बड़ा कोर्स देंगे, क्यों दोगे? 1.5 घंटे का वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट का काम है. प्लीज, यू आर प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट अगर तुम 10 मिनट में नहीं समझा सकते, बट बताना कोई नहीं चाहता, पता तो उनको भी है. सो वियोन जैसा चैनल है, उसमें एक लेडी आती है, I am forgetting what's her name, पालकी शर्मा उपाध्याय, हाँ शर्मा उपाध्याय. That lady is very graceful, you know. जब वो बात करती है तो ऐसा कुछ नहीं लगता जल्दबाजी में है. Not a word less, not a word more. सुनो आप उसको कि कैसे बात करती है. Traditional dress, when she speaks, you love listening to that lady. बड़े अच्छे से अपनी बात रखती है, नबीतुली बात रखती है, you know. जब आप ऐसे लोगों को देखोगे सुनोगे तो आप है ना कुछ सीखोगे अच्छी चीज. बट बाकी जो चैनल्स हैं जिनमें ना, एक और है अपना हिंदी चैनल आता है जिसमें कोई अपना स्पेक्स लगाते हैं ना, अदालत व्हाट्स हिज नेम, रजत शर्मा, मिस्टर रजत शर्मा, रजत शर्मा, यस सर. अब कंटेंट क्या है, चैनल कौन सा है, प्रो है, पॉर है, कौन सी पार्टी, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस. बट वो इंसान जब बात करता है ना उसमें ठहराव सा महसूस होता है, यू नो, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखता है. फिर एक और है डीएनए, उसमें भी कोई बंदा आता है, डोंट नो हिज नेम, सम चौधरी आई थिंक, हाँ सर, बट उसका बात करने का तरीका अच्छा है ना, बड़े ठहराव के साथ में आराम से बताता है अपनी बात, यू नो, कि चीज को ऐसे है, लॉजिकल बात करता है. अब कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, बट दिस वे ऑफ टॉकिंग इज गुड. सो यू आइडेंटिफाई आपको कौन सा सूट करता है, खुद डिसाइड करो कौन अच्छा है, किस लिए अच्छा है, एंड देन पिकअप फ्रॉम देयर. अकेडमीज वगैरह में बताता है कि आप जल्दी बोलो, तेज बोलो, नहीं, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन. थोड़ा बहुत कुछ पढ़ो, थोड़ा बहुत कुछ लिखो, और थोड़ा बहुत कुछ अपना वो करो. देयर आर डिफरेंट मेथड्स यार, आप कोशिश करोगे नतीजा तो देखो पक्का आएगा यार. ठीक है,
जी सर, सर इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि कंपटीशन कैसे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश बहुत बुरा हाल है हमारा। एंड आई थिंक सर ये एक ऐसा इकलौता वीडियो होगा पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में जिसमें कोई बता रहा है एक्चुअली कि जो कोर एरिया है वो कैसे प्रॉब्लम को दूर करना है। सर एक सवाल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सेकंड लास्ट बेसिकली, कि आप थर्ड लास्ट, हाँ यहाँ पे बच्चे, हाँ एक दो क्वेश्चन आए जब आप बात कर रहे थे बीच में कि सर मैं रिटन एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, मेंटर कैसा ढूंढें, कौन पढ़ाएगा, कैसे करेंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में आप बताओ कि एक कोचिंग लेने में और एक मेंटर मेंटर के पास जाने में क्या अंतर है सर? जमीन आसमान का फर्क है। देखो ये अगर आप अच्छी चॉइस करोगे ना रिजल्ट विल बी गुड, ठीक है। दो तरह के लोग हैं, एक है ना जो कहता है कि मैं खुद तैयारी करूंगा, है ना, वो कहीं नहीं जाता, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट अगर आपने उतनी काबिलियत है। कुछ लोग कहते हैं कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट कोचिंग में मैंने बताया ना कमर्शियलाइज्ड है, एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस, लुक फॉर अ मेंटोर जो आपको सिखाना चाहता है ना। एंड ये भी नहीं कि कल को नाम के आगे मेंटोर लिखा है तो भैया सिर्फ ये मेंटोर बन गया। सी मैं हमेशा कहता हूं आप बेसिक बुनियादी चीजें लेने जब मार्केट में जाते हो आप 10 तरह के सवाल पूछते हो, बट जब आप करियर के लिए कहीं पे जाते हो ट्रेनिंग लेने के लिए ना, डोंट आस्क क्वेश्चंस ओनली। आप कम से कम जिसका ट्रेनिंग लेने जा रहे हो पूछो, आप 5 मिनट 10 मिनट बात करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला कैसा है, ठीक है। आप कुछ अपने सवाल रखो, कुछ उनसे पूछो, ठीक है, कि वो कैसे कराते हैं। टॉक टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं आपको बताएंगे, वो बताएंगे फीडबैक कि भैया ये कैसा है। सी मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ऑलवेज से कि माय स्टूडेंट्स आर माय वर्दी असेसर्स। मेरे पास में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स रखे हैं, बट मैंने ऐसे बीच में 2 बच्चों को शेयर कर दिए थे, बाकी को मैंने शेयर नहीं किया है ना। दैट्स वेरी क्लोज टू मी, दैट्स फॉर मी टू रीड। मुझे अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ कि यार बच्चों ने मन से लिखा, उनके पेरेंट्स ने लिखे हैं, वॉइस मैसेज है, वीडियो मैसेज है मदर्स के कि सर SSB की कोई चिंता नहीं बट मेरा बच्चा बहुत अच्छा है ना। एंड आई हैव सीन द चेंजेस, जो 21 साल से हम नहीं कर पाए एज ए पेरेंट्स, हमने वो चेंजेस देखे हैं बच्चे में। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सो दैट इज द बिगेस्ट सर्टिफिकेट यार, वो मुझे पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। And मैं कहता हूँ माई स्टूडेंट्स आर माई बिगेस्ट वर्दी असेसर्स। इन योर केस है ना, योर स्टूडेंट्स दे आर योर ब्रांड एम्बेसडर्स। कोई पूछे दिल टेल यू कि ही इज आवर, दिस इज व्हाट ही टीचेस अस, दिस इज हाउ ही टीचेस अस, दिस इज है ना टाइम ही पुट्स ऑन अस, व्हाट दे हैव बीन, योर वन ऑफ योर स्टूडेंट इज माई स्टूडेंट एज वेल, यस सर, है ना। तो 11 बजे भी आता है आफ्टर योर जॉब और दिस थिंग, यू टेक क्लासेस फॉर देम, यू टीच देम, वॉट इज योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, दैट ओनली यू नो और योर स्टूडेंट नोस, यू नो। यस, आप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जहां पे आपकी है, लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, दिल से हैं और आप मन से तैयारी कर रहे हो ना, देन तो नो वन रिक्वायर्स एनी सर्टिफिकेट। और बाकी तो फिर उसके बाद में फिर बाकी सेम ड्रिल है, पोस्टर लगा दो इन कैश ऑन दिस थिंग या लोगों को डरा दो, तरीके हैं काम करने के लिए, है ना। मेंटोरिंग इज द बेटर थिंग है ना, बट प्रोवाइडेड आप उसकी जांच करो, यू नो वो है। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला तो सर भी मेंटर कर रहे हैं, मैं भी मेंटर कर रहा हूँ और हमारा एक कॉमन कॉज यही है कि अल्टीमेटली आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो, आप एक अच्छे इंसान बने। दिस इज व्हाट सर आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू माय गाइडेंस, और मैं एकदम छोटे भाई बहन की तरह उंगली पकड़ के इनको पढ़ाता हूँ और डांटता भी हूँ जब जरूरत होती है, जहां लग रहा है कि गलत, तो ये करना जरूरी है। जरूरत के मुताबिक डांट की जरूरत है बिल्कुल दिया जाए, सही मात्रा में डोज देना चाहिए। डोज देता हूं सर, एकदम सेम डे डोज मिलती है, लड़कों को तो बहुत बचा के रखा जाता है। दूसरी चीज सर ये है कि एक चीज और आ रही थी कि एक मैसेज जो आज का यूथ है ना सर, दो क्वेश्चन इसमें, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, उसको मैं कवर करूंगा इसी में। एक बच्चे ने पूछा सर प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा हो रहा है हमारे साथ, वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, बहानेबाजी करने लगते हैं, मन ही नहीं करता पढ़ने का हमारा, और एक इनको मैसेज आप क्या देना चाहोगे, ये सारे बच्चे यंग हैं, दीज आर द यंग चैप्स, आई एम आल्सो वन ऑफ देम, मैं भी यंग हूं, आई एम जस्ट 27 एंड हाफ, तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि एक अच्छा इंसान बने और देश को आगे जाए सर? फर्स्टली यू पीपल आर यंग है ना, यू आर यंग, आई एम द यंगेस्ट, ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, यू पीपल आर यंग, आई एम द यंगेस्ट। सी देखो यार, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या ना, मैं तो दो तरीके जानता हूँ सीधा। नंबर वन, शीशे में देखो, खड़े हो जाओ एंड टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है, एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ, यू रियली वांट टू लिव द लाइफ एंड व्हाट यू वांट टू लिव, और यू वांट टू लिव विद रिग्रेट्स। रिग्रेट्स क्या रहना है, बहुत लोग हैं सर मैं जाना चाहता था, मैं करना चाहता बट टाइम नहीं था, सुविधा नहीं मिली, कुछ सिखाने वाला नहीं मिला, ये सिर्फ है बहानेबाजी, ठीक है। नो रीजन और एक्सक्यूज इज अ गुड एक्सक्यूज टू एन अ कवर अप फॉर योर मिस्टेक्स फॉल्ट्स। शीशे में देखो, कोई मेरे को बोलता ना कि सर वो डर लग रहा है मैं जाने से, ये वो पढ़ता किसी और एकेडमी में, फोन मेरे को कर रहा है, मैं ट्रेनिंग कहां से ली, वहां से, मैं ट्रेनिंग तूने वहां से ली तो मेरे को फोन क्यों कर रहे हो? नहीं सर वो मुझे लगता है कि आप वो बताएंगे, मुझे कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा। मैं कमाल है यार, तू 3 हफ्ते ट्रेनिंग लेके आ रहा है, कन्विंसिंग नहीं लगा,
कह रहे सर उन्होंने जवाब नहीं दिए सर मेरे जो क्वेश्चन में बोला अपने आंसर खुद ढूंढो, मैं तुझे क्यों लगता है मैं फ्री बैठा हूं और मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा, क्या सर रिक्वेस्ट, मैंने भी आई विल टेल यू, तो मैं उनको बताता हूं मैं शीशे में देख चार गाली दो खुद को कि तू किसी लायक नहीं है, ठीक है, बनना बड़ा शौक है, पैरा कमांडो बनूंगा, ये बनूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा, तुमसे एक एग्जाम क्लियर हो नहीं रहा, एसएस भी तुमसे हो नहीं रही क्लियर, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, या तो सपने मत देखो, और सपने अगर देख रहे हो तो थोड़ा जोर लगाओ, ठीक है ना, या तो तुम शीशे में देख करके है ना यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ डू ऑर्डर सजेशन कि भैया करना है अपने लिए पेरेंट्स के लिए, एक लाइफ है यार, दो चांस बचे हैं, मेहनत कर ले भाई, ठीक है, अदरवाइज बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, जब अच्छा काम कर रहे हो शाबाशी दो खुद को एंड मोटिवेट योरसेल्फ, अगर नहीं कर रहे बी योर ओन क्रिटिक, शीशे में देखो और खुद को बताओ भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू है ना कल को अपनी दुकान खोलेगा है ना, नहीं तो कल दवाइयां बांटता फिरेगा, या फिर है ना तूने भैया यही काम करना है, कुछ नहीं होने वाला तेरे से, तू सिर्फ हवा उड़ता है, काम कुछ नहीं करता, एंड एवरी डे यू मस्ट डू योर ऑडिट, जब सोने लगते हो तो दो मिनट लगाओ सिर्फ आंख बंद करके सोचो कि यार कल रात को सोया था ना तो मतलब सेनापति बन के सोया था, सुबह उठा दूंगा लंका में आग लगा दूंगा, बड़ी इतने घंटे पढ़ूंगा, रिविजन कर दूंगा, ये कर दूंगा, मॉक टेस्ट, अला दो पैसे का कोई काम नहीं किया पूरे दिन में, ना एक मॉक टेस्ट किया, छह घंटे बोला था आधा घंटा बैठ के मैं पढ़ा नहीं, मॉक टेस्ट बोले थे मैंने वो कल पे टाल दिया, किया क्या है, आधे घंटे का आउटपुट नहीं है, बट यू आर फिनिश्ड, यू आर अ मैन हु आर गोइंग टू लिव लाइफ विद रिग्रेट्स, तेरा कुछ नहीं होने वाला, यू वेस्ट इट, स्टिल टाइम टू इम्प्रूव, कल उठता है मेहनत कर, कल ऑडिट करो और अपना क्रिटिक और अपना मोटिवेटर खुद बनो, यू आर द बेस्ट मैन टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड यू आर द बेस्ट क्रिटिक, शीशे में देख करके दो गाली दो खुद को कि साला निकम्मा आदमी किसी काम का नहीं है, टाइम खराब कर रहा है अपना भी, माँ बाप के पैसे भी, और ख्वाब बहुत है ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं होगा जैसे यू आर अ ब्लडी लूजर, चार बार खुद को भी लिखोगे ना, डायरी लिखने के लिए मैंने बताया, डायरी लिखो, डायरी में एक दिन लिखोगे आज कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं कह रहा तो लिखो कि आज पूरा दिन बर्बाद किया राजा जी की तरह, दो पैसे का मेहनत नहीं करी, फिर लिखो अगले दिन कि आज भी पूरा दिन सक्सेसफुली आई वेस्टेड एंड आई डिड ब्लडी नथिंग, चार दिन में एक हीन भावना आएगी, खुद को बुरा लगेगा कि यार रोज लिखता हूँ है ना, और यही लिखता हूँ कि कुछ नहीं कर रहा दो पैसे का, पांचवे दिन में एटलीस्ट दो पैसे का कुछ काम करोगे, छठे दिन में थोड़ा और ज्यादा अच्छा करके दिखाओगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा रोज है ना खुद लिखना अपने हाथ से, खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देना कि मैं फद्दू हूं, मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा, दिन में दबा के मेहनत करो, एक छोटा अच्छा रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो यार पूरी शिद्दत से, अभी अगर जिंदगी भर है ना मजे लेने हैं और अपना सपना पूरा करना है तो अभी टाइम है, टाइम इज वन थिंग जो है ना जिसका इलाज भगवान के पास में भी नहीं है, ठीक है, महाभारत लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो सेड कि भाई नियति को तो मैं खुद भैया करता होकर के और विधाता होकर के कि मैं भी नहीं बदल सकता, नियति में जो चीज होनी वो होगी, ठीक है, टुडे व्हेन वी वर टॉकिंग है ना यू ऑल्सो सेड कि यू आर लकी, मैंने नो आई मेड माई लक, आई वर्क हार्ड, आई मेड माई लक, यू नो मेहनत करी मैंने यार, मैं तो बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट मैं कभी भी नहीं था, आई वॉज जस्ट अ वेरी एवरेज कॉमन गाय, बट मेहनती था शुरू से, मेहनती अभी भी हूं, ठीक है, सो एक अच्छा रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो ईमानदारी से अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए, इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स इन योर ओन वेल बीइंग, अपने लिए जो आदमी अच्छा नहीं करना चाहता वो कैसे मानो में देश सेवा करेगा या किसी और के लिए क्रांति लाएगा अच्छा करेगा, नहीं कर सकता यार, भगवान ने 24 घंटे दिए, आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, आप बोल रहे सर मैं पैरा स्पेशल फोर्सेज में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा और है ना भाई क्रांति लाऊंगा देश में, कुछ नहीं होने वाला भाई, वहम है और वहम का इलाज तो किसी डॉक्टर के पास में नहीं है, ठीक है ना, right. तो एक अच्छा रूटीन बनाओ, उसको आप फॉलो करो, स्टिक टू इट, प्रोक्रेस्टिनेशन उसके लिए ऑटो सजेशन करो, शीशे में देखो खुद को डांट मारो कि भैया निकम्मे की तरह आप बिहेव कर रहे हो, आप है ना कोई ऑफिसर वाली कोई क्वालिटी नहीं आप में, ईमानदार तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, मेहनती भी कहीं से नहीं हो, और सोने से पहले दो मिनट लगाओ ऑडिट करो पूरे दिन भर का, हिसाब किताब मांगो खुद से कि यार कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी मेहनत करी, कुछ उम्मीद है कुछ कर पाऊंगा, या सर उम्मीद में ही जिंदा हूं मैं, सिर्फ ख्वाब देख रहा हूं, काम कुछ भी नहीं कर रहा, ऑडिट करो, दो मिनट में आपको पता लगे, एसएसबी जाने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम की एसएसबी में जाऊंगा और वहां पर सुन के आऊंगा भैया यू आर स्क्रीन आउट, यू आर रिजेक्टेड, ठीक है, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ 100% लोग निकालते हैं रिजल्ट स्क्रीनिंग के अंदर, अनटिलस कोई बड़ी गड़बड़ करके आ जाएगा दुक्का, कोई वापस नहीं आता, गारंटी देता हूँ इस चीज की, कैसे वापस आएगा, मेहनत करते हैं, तो अगर पैसे वेस्ट कर रहे हैं वहां जाके सुन के आओगे कि भैया आपसे नहीं हो पाएगा आप वापस चले जाओ, तो वो तो तुम्हें खुद को पता है तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, इतनी दूर जाओगे सर ये सुनने के लिए भी, गो बैक, नहीं ना, उतनी दूर जा रहे हो तो अंदर जाने के लिए जाओ, अंदर जाकर के भैया और आगे जाने के लिए काम करो, सो प्लीज बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर पेरेंट्स, मेहनत करो यार, डोंट लिव दिस लाइफ, यू लिव ओनली वंस, एक बार रह रहे हो जिंदगी एक बार मिलती है, डोंट लिव विद रिग्रेट्स, ओके, काम करने के बाद में ना अगर नहीं निकले नतीजा तो अफसोस नहीं होता शिवाय, अगर मेहनत नहीं करो ना, और फिर आदमी कहता है सर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो मैं पूछता हूं मैं दुख किस चीज का हो रहा है, मेहनत की थी, मेहनत दो पैसे की नहीं करी, यू आर ब्लडी नॉट इंटेलिजेंट, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बुरा फील करने का,
बुरा उस चीज आदमी को फील करना चाहिए, सर मैंने बहुत मेहनत की थी, क्लियर कर लिया, बट मेरिट में नहीं आ पाया, थोड़ी कमी रहेगी, ठीक है? Yes. तो थैंक यू सो मच सर इतनी सारी विजडम देने के लिए, और जो भी बच्चे यहां कोई विजडम नहीं है, जस्ट शेयर माय हार्ट। और कोई कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, ना तो गरीब होना कोई है ना बुरी बात है, और ना कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला होने वाली बात है, काबिलियत होनी चाहिए आप में। सिलेक्शन एंड रिजेक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, यू नो, गरीब आदमी अमीर आदमी देखे कोई नहीं लेता, यू नो, सो सेम थिंग आई ऑलवेज, बट यस एंडेवर फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, आई एम ऑलवेज ओपन टू देम, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी एकेडमी के भी सीख करके डाउट क्लियर करने मेरे पास में आते हैं, बट यू नो द ओनली प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव दैट मच टाइम यार ना, आई विश आई कुड हैव गिवन, बट या आने वाले टाइम में ओपन दरबार लगाऊंगा कि भाई महीने में एक दिन ओपन दरबार है, चाहे किसी एकेडमी का हो, जिसका जो डाउट है आ जाओ फ्री में, नो मनी हैज टू बी गिवन, नो फीस हैज टू बी गिवन, इट विल बी ओपन मेला सेशन, अपने डाउट पूछो, खुल करके पूछो, ठीक है? नो रजिस्ट्रेशन, नो फीस, महीने में एक दिन लगाऊंगा दरबार, आ जाओ और अपने डाउट क्लियर करो। यही थे सवाल, और आई थिंक ये मजा आया बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एनर्जी एकदम पम्प्ड अप हो गई है। अब यहाँ से जाने के बाद सर 9 बजे से लाइव क्लास है मेरी, अभी आपका सेशन एंड करके जस्ट क्लास में कूदने वाला हूँ मेरी 9 से 11। Wish you all the best for the class, Shivay. It was good catching up with you, and good wishes to you and your students also. इनको बोलना यार सिर्फ एक ही चीज है, you know, सिखाने वाला हमेशा कोशिश करता है अपनी तरफ से कि पूरी जोर लगाए, because you know, जब कोई बच्चा अपना aim achieve करता है ना, that the kind of the satisfaction ना, वो अगर कोई कर रहा है मन से ना, तो उसी को feel होती है, ठीक है? बाकी तरह पोस्टर में टांगने के लिए सारे मिल जाते हैं, you know, posters never becomes your qualification. वो आएगा, मौसम बारिश आएगी, पोस्टर भी फट जाएगा, चेहरे भी चेंज हो जाएंगे, बट यू नो उनको बोलना एक मौका है, जो समझदार और मेहनती आदमी है ना उसके लिए वन चांसेस एनफ, अदरवाइज बेवकूफ की तरह हर बारी उतरोगे भी, अभी तो 4 चांसेस पड़े हुए, कट ऑफ इतना जाता है, तुम जितनी बार जाओगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वही सब्जेक्ट रहेंगे, वही सिलेबस आना है। सो मेहनत करो और एक बारी में केस को क्लोज कर दो, रादर देन ना ट्राइंग स्टंट्स एंड डूइंग द सेम थिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स, उसमें कोई समझदारी नहीं है। मेहनती आदमी के लिए एक चांस बहुत है, ठीक है? और नहीं करना तो फिर उसके जितने चांसेस दे दो कम है। Right, but I mean success again. Good wishes to you, your team, and to your students. Wish you all the best. Thank you so much. Really humbled, sir. Jai Hind, sir. Thank you so much, brother. God bless. God bless you. God bless. Bye. Bye, sir. Bye-bye.